हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं JDS खबर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाक विभाग से जुड़ी एक जो बड़ी खबर निकल के आ रही है उसके बारे में। तो दोस्तों, अभी आपको स्क्रीन पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई जा रही है जिसका टाइटल शीर्षक आप देख सकते हैं, कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा डाक विभाग शोभा पत्रक। तो दोस्तों, अब जो पूरी खबर निकल के आ रही है उन भदोही से निकल के आ रही है। डाक विभाग कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है, इसके चलते तैनात कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ गया है। कई लोगों के काम के बोझ से परेशान कर्मचारियों ने बुधवार को डाक अधीक्षक पश्चिम मंडल वाराणसी को पत्रक सौंपा है, स्टाफ बढ़ाने की मांग की है। कर्मचारी यूनियन डाक विभाग के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में कर्मचारियों ने डाक अधीक्षक को अवगत कराया कि जिले में निवासी शाखा डाकघर है, इस पर कहीं शाखा डाकपाल की तैनाती नहीं है तो कहीं डाक विभाग व डाक वेतन की कमी बनी है। ऐसे में एक एक कर्मचारी को कई कई काम देखना पड़ रहा है, जैसे शाखा उप डाकपाल के न होने से डाक वेतन को उनका काम देखने के साथ डाक को लाने का भी काम करना पड़ता है। उप डाकपाल को चिट्ठी व मनीआर्डर भी घर घर जाकर बांटना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से जो ग्रामीण डाक सेवक की जो कमी यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत से जो काम है, एक एक JDS को, यानी कि जो एक BPM है उसे ABPM में काम भी करना पड़ता है, साथ ही जो JDS MD है, MC है, उनका भी काम करना पड़ रहा है। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी खबर यहाँ निकल के आ रही है। दोस्तों, ये सभी जगह देखने को मिलता है क्योंकि ग्रामीण डाक सेवक की बहुत सी पोस्टें वैकेंट है जिसमें अभी हाल ही में वैकेंसी निकली। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सी जगह ऐसा देखा गया है कि जो एक ग्रामीण डाक सेवक, यानी कि कोई BPM है, वो MD का काम भी कर रहा है और MC का काम भी कर रहा है। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी कमी है, यानी कि डाक विभाग में जो कर्मचारी की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। दोस्तों, ये इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेवे विभाग और जल्द से जल्द जो कमी है उसको दुरुस्त किया जाए ताकि जो ग्रामीण डाक सेवक का जो कार्य का बोझ है वह कम हो सके और जो ग्रामीण डाक सेवक है उनसे तीन तीन काम ना करवाया जाए, जो उनका वास्तविक कार्य वही उनसे करवाया जाए। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।